हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश कदम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप सबको एक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके आप भी आपके फ़िश को इवनली फ़िश फूड खिला पाओगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कितना खिलाना है और कब खिलाना है। एक फ़िश के लिए 2 पेलेट्स काफ़ी होते हैं, 2 टाइम सुबह शाम। अक्सर क्या होता है, ये चीज़ जानने के बाद लोग क्या करते हैं, फ़िश फूड खिलाने को ट्राई करते हैं दो दो हर एक फ़िश को। अगर समझ लो आपके पास 5 फिश है तो आप 10 पैलेट्स डाल दोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही फिश 4-5 पैलेट्स खा लेती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सब समझ पाओ, इस ट्रिक को समझ पाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को बजा देना ताकि मेरी वीडियोस आने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले एक पेपर ले लेना, उसके बाद में आप जो फिश फूड खिलाते हो आपके फिश को वो ले लेना, और एक चीज़ जिससे आप पैलेट्स को या फिश फूड को क्रश कर पाओ। पेपर को ओपन करने के बाद आपको उतने ही पैलेट्स लेने हैं जितने आपके फिश है। मैंने बताया था ना, 2 पैलेट्स हर एक फिश के लिए उतने, मैंने भी 2 पैलेट्स लिए क्योंकि मेरे पास एक बेटा है। इस पेपर को बंद कर देना और उसके बाद में पेन से या फिर किसी भी चीज़ से उस पैलेट को क्रश कर लेना। पाउडर नहीं बनाना हमको। उसके बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा, छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे उसके। चलिए अब हम इसको अपने फिश को फीड करते हैं। इसको अभी मैं मेरे फिश टैंक में ऐड कर देता हूँ। बहुत लोग सोच रहे होंगे एक फिश को 2 पैलेट्स खिलाना है तो डायरेक्ट 2 क्यों नहीं डाले। ऐसे क्रश भी कर सकते हैं, ऐसे 2 भी डाल सकते हैं। और ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो बताने वाला था 5 फिश के बारे में, 10 फिश के बारे में। अभी फ़िलहाल मेरे पास इतने फिश नहीं है, लेकिन मैंने पहले जब फिश रखी थी तो मैं यही ट्रिक यूज़ करता था। ये बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, आप भी यूज़ करना। यानी इसने भी थोड़ा खा लिया, शायद दिख नहीं रहा। तो बस इतना ही है, इतना ही करना है आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप हेल्पिंग अदर्स एंड कीप स्माइलिंग।